हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं स्कॉर्पियन किंग का थर्ड पार्ट ला रही हूँ, बैटल फॉर रिडेम्पशन। सो इस पार्ट की कहानी फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हमने रॉ को देखा था एज अ स्कॉर्पियन किंग, यानी कि मथायस, और उसकी पत्नी थी कजिनड्रा, जो शक्तिशाली सॉर्सरस थी। दोनों भी काफी खुशी से राज्य कर रहे थे अकेडियन से जगह पे, लेकिन कजिनड्रा के प्रोफेसी के अनुसार ये किंगडम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कजिनड्रा बहुत ही खतरनाक प्लेग का शिकार बन जाती है और आगे वो मर जाती है, जिसके कारण मथायस काफी दुखी हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते ये प्लेग पूरे अकेडियन से राज्य पे फैल जाता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। मथायस को भी लगने लगता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है, उसके दिन अभी खत्म हो गए हैं। और देखते ही देखते लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। उसके राज्य में ही उसे जबरदस्ती बंदी बना के रखा जाता है, ये सोच के कि इसकी पत्नी बहुत बड़ी सॉर्सरस थी, तो इसने ये फ्यूचर कैसे नहीं देखा। लेकिन वो उन लोगों के कैद से छूट जाता है और वापस एक योद्धा बनने का सोचता है जो दूसरों के लिए लड़ेगा। दूसरी जगह पे इजिप्ट में हम होरस और टेलिस नाम के दो राजा को देखते हैं। दोनों भी भाई थे और दोनों का भी अलग अलग किंगडम था। होरस काफी अच्छा और दयालु राजा था, तो टैलस काफी क्रूर राजा था, लोगों पे काफी जुर्म ढाता था। और अभी टैलस अपने ही भाई के राज्य पे हमला करने वाला था, इसीलिए अब टैलस अपने आर्मी के साथ ईस्ट में चला जाता है, यानी चाइना में, रामसान नाम के राजा को मिलने के लिए, जो होरस का काफी अच्छा दोस्त था और एक बहुत ही कीमती किताब बुक ऑफ डेड इसका रखवाला था। टैलस को वो किताब किसी भी कीमत में हासिल करनी थी, इसीलिए वो किंग रामसान के साथ युद्ध करने वाला था। अब ये जानने के बाद होरस मथायस को आदेश देता है और उसे समझाता है कि उसे चाइना जाके किंग रामसन और उस किताब की रक्षा करनी है। मथायस और ओलाफ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, तो दूसरी जगह पे टैलस रामसन के राज्य पे हमला कर देता है और उसकी बेटी सिल्डा को किडनैप कर लेता है। अब कुछ दिनों के बाद मथायस रामसन के किंगडम में पहुंच जाता है और रामसन उसे आदेश देता है कि अगर वो उसकी बेटी को बचा सकता है तो वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है और इसके बाद इस पूरे राज्य का वो राजा बन सकता है। मथायस को वापस शादी करने में या किंगडम चलाने में कोई रस नहीं था, लेकिन जब वो सिल्डा की तस्वीर देखता है तब उसके गले में एक अनोखा हार था। दरअसल ये हार इजिप्ट गॉडेस मेडालियन की आंख थी, जो कि बेश कीमती हार था। बुक ऑफ डेड को खोलने के लिए भी इस मेडालियन की जरूरत थी। दोस्तों, यही किताब और मेडालियन हमने द मम्मी इस मूवी में देखी है। अब इसी कारण से मथायस उसे बचाने के लिए मान जाता है। अब ये तीनों भी योजना बनाते हैं और उसके अनुसार रामसन राजा अगले दिन टैलस के लोगों पे हमला करता है और उन दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दरमियान मथायस राजकुमारी को जाने के लिए जाता है, लेकिन राजकुमारी उसे मना करने लगती है, मानो कि उसे यहाँ से छूटना ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक दूसरी सेना आती है जिनका नाम था कोबरा, और उसकी सेना दरअसल निंजा की आर्मी थी। वो काफी रहस्यमय तरीके से आते हैं और सिल्डा को वहाँ से वापस चुरा के लेके जाते हैं। मथायस और ओलाफ उनका पीछा करने लगता है, तो यहाँ पे टॉमस को जब पता चलता है राजकुमारी को किसी और ने ही गायब किया है, तो उसे जंगल के बीच में मथायस और ओलाफ निंजा की आर्मी यानी कोबरा से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसे पता चल जाता है कि कोबरा की सेना ही राजकुमारी को लेके गई। अब मथायस और ओलाफ कौन है जाने बगैर वो इन दोनों को भी राजकुमारी को बचाने का आदेश देता है और ये दोनों भी पैसे के खातिर मान जाते हैं। जब ये लोग बीच जंगल में पहुंच जाते हैं तब कोबरा के लोग इन पे हमला करते हैं। जब कोबरा के जगह पे पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कोबरा के लीडर और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी सिल्डा थी। दरअसल उसने कोबरा इस आर्मी की स्थापना की थी और वो उनकी लीडर थी। टेलस ने उसे पकड़ा नहीं था, जबकि जानबूझ के उसने खुद को टेलस के हाथों पकड़वाया था ताकि वो उसकी आर्मी की योजना जान सके और उसके हाथ लगा हुआ मेडेलिन का वो नेकलेस वापस अपने पास लाए। अब ये जानने के बाद मथायस काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से ओलाफ को चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी राजकुमारी साल्डा उसे अकेडियंस और कसिंडा का वादा दिलाती है कि उसकी मदद करने के लिए रुक जाओ टैलस को मारने के लिए। मथायस वैसे ही अकेडियंस के राज्य को खोने के कारण एक पश्चाताप के आग में जी रहा था, इसीलिए वो सिल्डा की बात मानता है और तैयार हो जाता है। तो दूसरी जगह पे टेलस किंग रामसन के महल में हमला करता है और उससे बुक ऑफ डेड चुराता है। उसके पास ऑलरेडी मेडेलियन था। अब बुक ऑफ डेड के कारण वो काफी खतरनाक वॉरियर जो ऑलरेडी मर गए थे उनको वापस जिंदा करता है, जिसमें झुलुकोडू, एग्रोमेल और सुकाय जो कि शैडो वॉरियर होती है, इन तीनों को भी बैटल के लिए रेडी करता है और किंग राइजमैन के राज्य पे हमला कराता है। जब मथायस, ओलाफ और सिल्डा को ये पता चल जाता है तब वो निंजा की सेना लेके इन तीनों से भी लड़ने लगते हैं। काफी लड़ाई होती है इनके बीच में, जिसमें झुलुकोडू मारा जाता है तो सुकाय भाग जाती है। लड़ाई के बाद मथायस और ओलाफ किंग रामसन के पैलेस में वापस आ जाता है, जो कि अभी टॉलिस का हेडक्वार्टर था। वहाँ पे जाने के बावजूद वो अपनी असलियत छुपा के रखते हैं और किंग के आगे झुकते हुए कहते हैं कि उन्होंने अभी सिल्डा को कोबरा के हाथों छुड़ाया है और उसे उसको गिफ्ट करते हैं। अब टैलस भी खूबसूरत सिल्डा को देखता
है तो उसे शादी करने का ख्वाब देखने लगता है और अपने स्लीपिंग चैम्बर में उसे लेके जाता है। सिल्डा भी तैयार हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ योजना थी और वो मथायस के आने का इंतजार कर रही थी। तभी मथायस आता है, उसके ऊपर हमला करता है और मेडेलिन इस नेकलेस को वो ले लेता है। लेकिन तभी टैलस सुकाय को ऑर्डर देता है इनको मारने के लिए और उनसे मेडेलिन वापस लेके वहां से भाग जाता है। मथायस टॉलस के पीछे चला जाता है उससे मेडेलिन लेने के लिए। सुकाय के साथ सिल्डा की लड़ाई शुरू होती है तो दूसरी जगह पे ओला बुक ऑफ डेड लेने की कोशिश करता है और उसकी भी अग्रोमेल के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे टॉलस भाग ही रहा था तभी निंजा सोल्जर आते हैं और उसे रुकाते हैं। तो दूसरी जगह पे ओलाव और सिल्डा की एग्रोमेल और सुकाय के साथ काफी भयानक लड़ाई चल रही थी जिसमें ओलाव और सिल्डा मारे जाने वाले थे। तभी अचानक से ओलाव के हाथ की किताब कहीं और जाके गिर जाती है। तो यहाँ पे टेलिस को निंजा और उसके कैंप के लोग आके घेर लेते हैं, उसे मारने ही वाले थे। जो उसके हाथ में नेकलेस रहता है मेडेलियन का वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए टेलिस गुस्से में वो नेकलेस मथायस को ही दे देता है कि मेरे ही कुछ काम का नहीं है। मथायस वो नेकलेस लेता है और ओलाव और सिल्डा को बचाने के लिए आता है। तभी उसे किंग रामसन भी मिल जाते हैं, उनकी मदद से वो वापस बुक ऑफ डेड का रिचुअल शुरू करता है और सुकाई और एग्रोमिल को अपने तरफ कर देता है ताकि वो सिल्डा और ओलाव को ना मारे और इसी तरह वो दोनों भी बच जाते हैं। सिल्डा अपने पिता से माफी मांगती है कि वो कोबरा की लीडर थी और उनके पिता से ये बात छुपी हुई थी और बाद में किंग रामसन मर जाता है। यहाँ पे सुकाई और एग्रोमिल मथायस के आगे झुक जाते हैं। आखिरी में रामसन का राज्य और टेलस का राज्य ये पूरा मथायस को मिल जाता है क्योंकि उसने टेलस को मार डाला था। आखिरी में किंग होरस वहाँ पे आ जाता है टेलस का यानी अपने भाई का बचा हुआ राज्य लेने के लिए। मथायस आता है, उन्हें ग्रीट करता है लेकिन उसके भाई का राज्य उन्हें वापस देने के लिए वो इनकार करता है क्योंकि इन सारे लोगों ने उनकी जान बचाने के कारण मथायस को अपना राजा बनाया था, यानी कि वो वापस स्कॉर्पियन किंग बन गया था और होरस को उसका शत्रु नहीं बनना था, इसीलिए वो चुपचाप चला जाता है उसे ग्रीट करके। बुक ऑफ डेड को वापस अपनी जगह पे रखा जाता है और उस मेडेलिन नेकलेस को मथायस अपने पास ही रखता था। मूवी के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं मथायस और सिल्डा दोनों का भी रिलेशन शुरू हुआ था लेकिन सिल्डा अपनी कोबरा की डेस्टिनी लेके वहां से चली जाती है लेकिन उसके पिता की एक अंगूठी वो मथायस के यहाँ पे ही छोड़ जाती है। दरअसल ये वही अंगूठी है जिससे वो अनुबीस यानी अंडरवर्ल्ड नरक के देवता अनुबीस को बुलाता है, यानी यही वो पल था जहाँ से मथायस काले जादू की तरफ बढ़ने लगता है और इस पूरे दुनिया को वो अपने कब्जे में करना चाहता था। और इसी तरह मम्मी में वो अनुबीस को बुलाता है और उसके कारण वो अजीब स्कॉर्पियन किंग बन जाता है जो कि हमने द मम्मी और द मम्मी रिटर्न्स इस मूवी में देखा था।